नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के शुभम तिवारी सहित दो दर्जन लोगों ने भरा पर्चा। मंगलवार को नामांकन करने की प्रक्रिया का अंतिम दिन था। अंतिम दिन कांग्रेस के शुभम तिवारी सहित 26 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच भी होगी। सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए अंतिम दिन 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया, जिसमें प्रयागराज के रामचरण रोड सदर निवासी रुचि सिंह, सपा प्रत्याशी सुमन मौर्य के पुत्र चंद्र कृष्ण मौर्य, भाजपा प्रत्याशी की मेजर सुनील दत्त की पत्नी अनीता द्विवेदी, नगला कलार, भाऊपुर खुर्द निवासी वीरेंद्र कुमार आर्य, फतेहगढ़ कैंट रोड निवासी अंबर खान, भगुआ नगला निवासी विक्रांत सिंह, गाजियाबाद निवासी वरुण अशोक सक्सेना, सचिन सिंह चौधरी धनसुआ रोड फतेहगढ़, अजमतपुर निवासी शिवम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। 2 फरवरी यानी बुधवार आज का क्या है कार्यक्रम? नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी बुधवार यानी आज की जाएगी और 4 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी यानी रविवार को संपन्न होगा। और भारत की संप्रभुता और अखंडता को। अब तस्वीरों में देखिए अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी शुभम तिवारी ने आखिरी दिन अपना नामांकन कराया और मीडिया से रूबरू होकर क्षेत्र के विकास करने की बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फरुखाबाद। और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुन रखूंगा। वादे इरादे में जहाँ तक मैं बोलूँगा आप सबके संज्ञान में पहले से ही है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर और जो इस समय जो है इस सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई उनको लेकर हर मुद्दे पर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी मुखर हैं, तो हमारे वादे और हमारे इरादे साफ है कि हम जनता के हित में, जनता के एक बेहतर भविष्य के लिए जो काम कर रहे हैं, जो एक सोच बनाई हुई है और ख़ासतौर पर महिलाओं को लेकर जहाँ पर महिलाओं पर ये अत्याचार लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं, उनको लेकर हम लोग हमेशा आंदोलित भी रहे हैं। हमारी नेता जो है जहाँ तक हो सका है ज़रूरतमंदों की और महिलाओं के मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ती हैं, तो वही एक सोच के साथ कांग्रेस पार्टी इस समय संघर्ष कर रही है और इस चुनाव में हम लोग इस वर्तमान सरकार की जो अनैतिकताएँ हैं, जो इन्होंने एक माहौल व्याप्त कर रखा है, भयमुक्त समाज का जो उन्होंने वादा किया था लेकिन भययुक्त समाज जो बनाया है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपके इलाके क्या समस्या है? देखिए हमारे इलाके की जहाँ तक आपके संज्ञान में, हमारे इलाके में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। लेकिन मेरा मानना ये है कि बाढ़ अमृतपुर में तो आती है लेकिन अमृतपुर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कभी भी उस बाढ़ को लेकर आवाज जो है सदन में नहीं उठाई गई। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग के माध्यम से मेरी आवाज जनता तक पहुंचती है तो अब अगर अमृतपुर में बाढ़ आती है और शुभम तिवारी की जनता ये मौका देती है तो बाढ़ सदन में भी आएगी, जवाब देना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, हम भी अगर अपनी सरकार में होंगे तो हम भी अपने नेताओं से ये बात पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे कि आखिर अमृतपुर के सर्वांगीण विकास के लिए कैसे क्या कदम उठाए जाए। बड़ी संख्या में लोग आपके यहाँ इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी सब कमेटियाँ छोड़ गए हैं लोग।